गाइस आज हम आपको बताएंगे 5.5 किलोवाट ड्यूल स्टार्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों आपको पता ही होगा कि ड्यूल स्टार्टर किसके लिए यूज किया जाता है। ये हमारे एक स्टार्टर के लिए यूज किया जाता है, लाइक जैसे पंप मोटर कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम एक स्टार्टर बनाते हैं ताकि हम उसको स्टार्टर को कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल कैसे करेंगे हम, जैसे स्टार्ट स्टॉप पुश बटन से। ठीक है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्टर का एक यूज करते हैं ताकि हम किसी भी मोटर को कहीं भी बैठे बैठे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टार्टर के कंपोनेंट के बारे में, वायरिंग किस तरीके से होती है वो बताएंगे, और आपको इसमें कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रिकल स्टार्टर किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आपको सबसे पहले वीडियो में दिखाते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं स्टार्टर में। तो दोस्तों हम चेक करते हैं कि क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए हैं पैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यह है 5.5 किलोवाट ड्यूल स्टार्टर पैनल। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं। ये देख सकते हैं आप, ऑन का इंडिकेशन लैंप है, ये ऑफ का इंडिकेशन लैंप है, और यह है ट्रिप का इंडिकेशन लैंप। ठीक है, आप देखेंगे ये स्टार्ट पुश बटन है, इसको हम पुश करके हम स्टार्ट करते हैं, और ये स्टॉप पुश बटन है, हम इसको पुश करके हम स्टार्टर को स्टॉप करते हैं। ये आप देखेंगे ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच है, एक पोजीशन में हमारा ऑटो में रहता है, और जीरो पे हमारा ऑफ पोजीशन पर रहेगा, और टू पे हमारा मैनुअल मोड पे रहेगा। ठीक है, मैनुअल मोड पे ही हम इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं मैनुअली। अब दोस्तों अब हम अंदर के कंपोनेंट को चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये डोर की वायरिंग है ये आपकी। ठीक है, सिलेक्टर स्विच की वायरिंग है, लैंप की वायरिंग है, पुश बटन्स की वायरिंग हो रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और अब आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये न्यूट्रल लिंक लगी हुई है, ये देखिए न्यूट्रल लिंक है। ठीक है, न्यूट्रल को अगर हमें डिस्कनेक्ट करना है तो हम यहाँ से एक बार को खोल सकते हैं, तो हमारा न्यूट्रल डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। और ये 6 एम्पियर की MCB है, SP मतलब सिंगल पोल की MCB है, जो कि कंट्रोल MCB के नाम से जानते हैं हम इसको। और ये आप देखेंगे 9 से 13 एम्पियर की MPCB है, यानी कि MPCB मतलब मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, यानी कि मोटर को शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोड से, किसी भी तरीके का वो फॉल्ट होगा तो वो उससे प्रोटेक्ट कराएगी। ठीक है, और ये इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, MPCB को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा ट्रिप टेस्ट करने के लिए, इसको हम टेस्टर से ट्रिप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए टेस्टर हम इसके अंदर डाल के इसको हम राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड करेंगे स्क्रॉल, तो हमारा ये ट्रिप हो जाएगा, और ये हमारा ऑक्स कॉन्टैक्ट है। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे हमारे RYB के L1 L2 हमारे पावर कनेक्शन है इनपुट पे, और ये हमारे आउटपुट कनेक्शन है जो कि मोटर के लिए हमारे डायरेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, नहीं डायरेक्टली हमारे ये यहाँ से निकलेंगे, हमारे ये पावर कॉन्टैक्ट पर जाएंगे, जब पावर कॉन्टैक्ट के आउटपुट से हमारे कनेक्शन जाएंगे डायरेक्ट मोटर के TV पे। ठीक है, ये मोटर के लिए हमने TV लगा रखी है, यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एडन ब्लॉक है, कंट्रोल के लिए है, ये NONC है, और इसका जो एम्पियर रेटिंग है जो कॉन्टैक्टर की वो है MNX 22, यानी कि 22 एम्पियर का है कॉन्टैक्टर्स, और ये हमारी कंट्रोल रिलेज हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये कंट्रोल TV हैं। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि हमारे ड्यूल स्टार्टर किस तरीके से बनता है और कौन कौन से इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। दोस्तों ये देखिए कंट्रोल TV हैं, ये हमारे इनपुट पावर सप्लाई है, ये देखिए ये इनपुट 3 फेज न्यूट्रल की सप्लाई है। ठीक है,